शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि इस मामले में अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। उससे पहले ही हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया कि बॉर्डर खुलते ही वो दिल्ली कूच कर जाएंगे। जबकि हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि ये किसान दिल्ली जाएं। अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो हरियाणा बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व को क्या जवाब देंगे? हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है, ऐसे में ऐसी उम्मीद थी कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आपको बता दें कि MSP की लीगल गारंटी सहित 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी को पंजाब के किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पटियाला और अंबाला के बीच शंभू बॉर्डर पर उनका रास्ता बंद कर दिया। तब से किसान पंजाब की सीमा में शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इससे दोनों सूबों के व्यापारियों को परेशानी हो रही है, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसलिए उन्होंने रास्ता खुलवाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने और रास्ता क्लियर करने के आदेश दिए थे। 5 महीने से ज्यादा वक्त से आपको बता दें कि ये किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश शंभू बॉर्डर खोलने के लिए आया था। आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही हरियाणा सरकार रास्ता खोलेगी वो लोग दिल्ली चले जाएंगे। शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ी खबर। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि इस मामले में अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। उससे पहले ही हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया कि बॉर्डर खुलते ही वो दिल्ली कूच कर जाएंगे। जबकि हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि ये किसान दिल्ली जाएं। अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो हरियाणा बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व को क्या जवाब देंगे? हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है, ऐसे में ऐसी उम्मीद थी कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आपको बता दें कि MSP की लीगल गारंटी सहित 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी को पंजाब के किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पटियाला और अंबाला के बीच शंभू बॉर्डर पर उनका रास्ता बंद कर दिया। तब से किसान पंजाब की सीमा में शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इससे दोनों सूबों के व्यापारियों को परेशानी हो रही है, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसलिए उन्होंने रास्ता खुलवाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने और रास्ता क्लियर करने के आदेश दिए थे। 5 महीने से ज्यादा वक्त से आपको बता दें कि ये किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश शंभू बॉर्डर खोलने के लिए आया था। आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही हरियाणा सरकार रास्ता खोलेगी वो लोग दिल्ली चले जाएंगे।